मैंने एक दिन जुनेद जमशेद से पूछा, मौलवी साहब आपने गाना गाना क्यों छोड़ दिया था? उसने कहका लगाया और देर तक हंसता रहा। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसने ऐनक उतारी, टिशू से आंखें साफ की और हंसते हंसते जवाब दिया, यार तुमने मुझे जिस अंदाज से मौलवी साहब कहा है मैं वो इंजॉय कर रहा हूँ, तुम मुझे ये इंजॉय करने दो। वो उसके बाद दोबारा हंस पड़ा। वो हंसते हंसते खामोश हुआ और फिर बोला, यार गाने ने मुझे शोहरत दी, इज्जत दी और पैसा दिया, अगर कुछ नहीं दिया तो वो सकून था। सकून मुझे मौलवी साहब बनकर मिला और ये जब मुझे मिल गया तो मुझे पता चला दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सकून होती है। पैसा, इज्जत और शोहरत तीनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसके बाद दोबारा हंसा और बोला, मैं वेम्बले में शो करना चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी मेरा खैमा दरमियान में हो और दूसरे गुलकारों, मौसीकारों और अदाकारों के खैमे दाएं बाएं हों। मैं 1992 में वेम्बले गया, अमिताभ बच्चन का खैमा दरमियान में था, लोग उसके हाथ चूम रहे थे, वो उस पर वारी वारी जा रहे थे, वो उसके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए एक दूसरे को रौंदे जा रहे थे। मैंने ये इज्जत देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्या मैं भी कभी इस मकाम तक पहुंच सकता हूं? क्या मुझे भी ये इज्जत, लोगों का ये वालेहाना पन मिल सकता है? वो शायद कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और वो वक्त आ गया जब मेरा खैमा ठीक उसी जगह पर था जहां कभी अमिताभ बच्चन ने रातें गुजारी थीं। नौजवान लड़कियां और लड़के उस दिन मेरे साथ तस्वीरें बनाने के लिए भी एक दूसरे पर गिर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अंदर से निहाल हो गया। मैं कई दिन इस सरशारी में रहा लेकिन फिर वो खामोश हो गया। वो देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने सर उठाया, मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन फिर एक नई एहसास ने इस सरशारी की जगह ले ली। मुझे महसूस हुआ मेरी कामयाबी ने मुझे इज्जत तो दी है लेकिन मैं सुकून से महरूम हूँ। मुझे ये भी महसूस हुआ सुकून इज्जत से बड़ी चीज़ है और मुझे इस बड़ी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, मैं उसके बाद भी गाता रहा, लोग मेरा गाना सुनते थे, झूमते थे, मुझे चूमते थे, दिल दिल पाकिस्तान और सांवरी सलोनी सी महबूबा मेरी पहचान बन गया। मैं जहाँ जाता लोग मुझसे फरमाइशें करते थे, जे जे सांवरी सलोनी हो जाए, और मैं ज़रा सा गुनगुना कर आगे निकल जाता। लेकिन मैं अब इज्जत के साथ साथ सुकून भी तलाश कर रहा था और फिर अल्लाह ताला ने करम किया, मुझे ये नेमत भी मिल गई। वो खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम तबलीगी जमात और मौलाना तारिक जमील साहब के काबू में कैसे आ गए? उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, पाकिस्तान का हर शहरी ज़िंदगी में कभी ना कभी डॉक्टर, पुलिस और तबलीगी जमात के काबू ज़रूर आता है। ज़्यादातर लोग उनके साथ चंद दिन गुजार कर वापस आ जाते हैं लेकिन थोड़ी सी तादाद दायमी मरीज, आदि मुजरिम और मौलवी साहब बनकर मुस्तकिलन उनका हिस्सा बन जाते हैं। मैं भी एक दोस्त के ज़रिए मौलाना तारिक जमील से मिला और फंस गया। मैंने पूछा, आप कैसे फंस गए? उसने कहका लगाया और जवाब दिया, मुझे उस शख्स ने इतनी मोहब्बत दी जो मुझे इससे पहले किसी से नहीं मिली थी। ये मोहब्बत मेरे लिए नशा साबित हुई और मैं इस नशे की लत का शिकार होता चला गया। मैंने दीन का मुताला शुरू कर दिया। मैं शुगल शुगल में चले जाने लगा और मुझे जब होश आई तो मैं उस वक़्त तक अच्छा खासा मौलवी साहब बन चुका था। मैंने उससे पूछा, आप अच्छे खासे समझदार इंसान हैं, आप दरमियान में भाग क्यों नहीं गए? उसने एक और कहका लगाया और बोला, मैंने भागने की एक अद ट्राई की थी, मैंने गाना छोड़ दिया था लेकिन फिर अचानक एहसास हुआ, जुनेद जमशेद तुम खाओगे कहाँ से? तुम्हें इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता। गाना मेरी ज़िंदगी भी था, मुझे महसूस होता था मैंने अगर ये बंद कर दिया तो मुझसे मेरी ज़िंदगी छिन जाएगी। चुनाचा मैंने शेव की और अपनी दुनिया में वापस आ गया। लेकिन चंद दिन के बाद गलती का एहसास हो गया, मैं इस नतीजे पर पहुंच गया, मुझे सुकून और शोहरत, दौलत, इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मेरे अंदर कश्मकश जारी थी लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम किया, मेरे दिमाग से गलत फहमियों के अंधेरे छट गए और मैं दोबारा उस लाइन पर आ गया जहां मुझे होना चाहिए था। मैं तबलीग वालों के साथ शामिल हो गया। मैंने पूछा, लेकिन क्या शोहरत, इज्जत और दौलत आसानी से छूट गई? तड़प कर जवाब दिया, बहुत मुश्किल था, गाना मेरा वाइड सोर्स ऑफ इनकम था, मुझे शोहरत की लत भी पड़ चुकी थी, मेरे लिए फैन, तस्वीरें और ऑटोग्राफ जिंदगी थी, मेरा गाना मेरा शिनाख्ती कार्ड था, मैं इस शिनाख्ती कार्ड के बगैर कुछ भी नहीं
था, चुनाचा मैं गाने के बगैर मुआशी, समाजी और ज़हनी तौर पर ज़िंदा नहीं रह सकता था। लेकिन फिर मैंने एक सौदा किया, मैंने अल्लाह के नाम पर अपने तीनों असासे कुर्बान कर दिए, मैंने इज़्ज़त, शोहरत और रोज़गार तीनों छोड़ दिए और अल्लाह की राह पर लग गया। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, क्यों आपने ये क्यों किया? वो बोला, मैं बुनियादी तौर पर अल्लाह का कानून टेस्ट कर रहा था। मैंने किसी जगह पढ़ा था, जो शख्स अल्लाह के साथ सौदा करता है, जो अल्लाह ताला के नाम पर अपनी अजीज तरीन चीज़ कुर्बान कर देता है, अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता, खुदा की ज़ात उसे उसके हक से ज़्यादा नवाजती है। मैंने अल्लाह के इस ऐलान, इस वादे को टेस्ट करने का फ़ैसला किया। मैंने अपना कुल असासा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था। मेरे भाई, आप यकीन करो, अल्लाह ताला ने मेरी तीनों चीज़ें 70 से ज़रब देकर मुझे वापस लौटा दी। मैंने अल्लाह ताला के रास्ते में लाखों रुपए की कुर्बानी दी थी, रब की ज़ात ने मुझे करोड़ों रुपए से नवाज दिया। मैंने आज तक एक रुमाल नहीं बनाया। आप अल्लाह का करम देखो, दुनिया में जुनेद जमशेद के नाम से कपड़ों का सबसे बड़ा पाकिस्तानी ब्रांड चल रहा है। मैं राग स्टार की हैसियत से मशहूर था। आप अल्लाह का करम देखो, मैं आज नात खानी और अल्लाह के जिक्र के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। लोग मुझे दिल दिल पाकिस्तान की वजह से इज़्ज़त देते थे, लेकिन आज लोग इलाही तेरी चौखट पर सवाली बन के आया हूँ के हवाले से मेरे हाथ चूमते हैं। मैं कभी जीन्स पहनकर स्टेज पर नाचता था और इज़्ज़तदार लोग अपनी बहू बेटियों को मेरे साय से बचा कर रखते थे, लेकिन मैं आज सर पर अमामा और टोपी रख कर मिंबर रसूल पर बैठा हूँ और लोग मुझसे अपने बच्चों के लिए दुआएं करवाते हैं। आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दें, क्या ये उस 70 गुना से ज़्यादा नहीं है जिसकी मैंने कुर्बानी थी? वो खामोश हो गया। मैं उस वक्त आज के मुकाबले में ज़्यादा गुमराह, ज़्यादा संगदिल और ज़्यादा बददियानत था। चुनाचा मैंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, आप अगर मौलवियों के हाथ से बच गए, जो इस वक्त आपकी गर्दन की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, जो आपको कभी गुस्ताख का लकब लगा देते हैं और कभी किसी का गुनाहगार समझ लेते हैं, तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। वो भी हंस पड़ा। लेकिन मैंने जब 7 दिसंबर को जुनेद जमशेद के एयर क्रैश की खबर सुनी और उसके बाद जिस तरह पूरे मुल्क को उसके शोक में डूबते हुए देखा और फिर 15 दिसंबर को कराची में उसका जनाजा देखा, मैं उसको सच्चा मानने पर मजबूर हो गया। मुल्क में हज़ारों उलमा कराम, सियासतदान, बैरोक्रेट, सूफिया कराम, अदाकार, गुलकार, अरबपति, ताजर फौत हुए, उनके जनाजे जनाजा गाँव में पढ़ाए गए, लेकिन जुनेद जमशेद का जनाजा स्टेडियम में पढ़ाया गया और उसमें हकीकतन लाखों लोग शरीक हुए। ता हद नज़र सारी सर और बाजू ही बाजू थे। जुनेद जमशेद को इससे पहले एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था, उसके कफन को पाकिस्तानी परचम में भी लपेटा था और उसे C-130 के ज़रिए इस्लामाबाद से कराची पहुंचाया गया था। ये एजाज़ आज तक किसी गुलकार को हासिल नहीं हुआ। जी नहीं, दुनिया में मेहदी हसन और नूर जहाँ जैसे गुलकार दोबारा पैदा नहीं होंगे। बड़े गुलाम अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, अजीज़ मियां कवाल, उस्ताद अमानत अली खान और साबरी बरादरान मौसीकी के उस्ताद थे। ये उस्ताद किस आलम में दुनिया से रुखसत हुए और उनके जनाजे कैसे और कितने थे हम सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त जुनेद जमशेद जैसे एक साबिक गुलकार को दी, ये भी सारा ज़माना जानता है। मौसीकी के उस्ताद होने के बावजूद ये लोग दुनिया से कसम फरसी में रुखसत हुए, जबकि जुनेद जमशेद के गम को हर शख्स ने महसूस किया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है वो ठीक कह रहा था, उसने अल्लाह ताला से सौदा किया था और अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को 70 से ज़रब देकर उसके तमाम असासे उसे लौटा दिए। जुनेद जमशेद ने हम जैसे लाखों लोगों की आंखें खोल दी। उसने साबित कर दिया, उसके साथ सौदा करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते। इज़्ज़त कुर्बान करोगे तो अल्लाह ताला को इज़्ज़त वो 70 गुना करके वापस लौटाएगा, और शोहरत और दौलत की कुर्बानी दोगे तो अल्लाह ताला उन्हें भी 70 से ज़रब देकर लौटाएगा। बेशक अल्लाह ताला की स्टॉक एक्सचेंज कायनात की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, ये कभी क्रैश नहीं होती, ये कभी अपने शेयर होल्डर का खसारा नहीं होने देती, उसका इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर।